अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8 स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर एंड टुडे विल रीड द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक साइंस फैक्ट फाइल। ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर नेम इज हीटिंग एंड कूलिंग। सो लेट स्टार्ट। टच द समथिंग हॉट एंड द योर साइंस इमीडिएटली टेल यू द पोल your hand away. Hotness is about the amount of heat energy an object has. A spark from a firework may be very hot, but it will not hurt very much because it is doesn't contain much heat energy. However, even a throw a cup of tea may not be very hot. It can still burn बिकॉज इट कंटेन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। ओके, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास हीटिंग एंड कूलिंग का। हम हीटिंग एंड कूलिंग के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दी गई है कि अगर आप किसी हॉट चीज़ को टच करते हैं तो फ़ौरन से आपका सेंस आपको बता देते हैं कि ये चीज़ गर्म है और आप अपना हाथ उसे फ़ौरन से खींच लेते हैं वहाँ से। ठीक है, अब अगर हम एक स्पार्क की बात की जाए तो स्पार्क मीन्स के चिंगारी निकालना। ठीक है, ये फायरवर्क का काम करते हैं। ये पर इतनी गर्म नहीं होती कि आपको ज़्यादा हर्ट कर सके इसके मुकाबले, क्योंकि ये ज़्यादा हीट एनर्जी को कंटेन नहीं कर रही होती है। जबकि अगर हम एक कप ऑफ टी ले देखें तो वो इतना हॉट नहीं होता, हमें इतना हॉट नज़र नहीं आ रहा होता, बट ये हमारे टंग को भी ज़्यादा बर्न कर सकता है बिकॉज ये कंटेन कर रहा होता है अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। ग्रेड 8 स्टूडेंट, सेकंड लेक्चर इज टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर एंड हीट, आप यहाँ टेम्परेचर को भी हरारत कहा जाता है, हीट है, हीट भी एक एनर्जी है जिसे भी हरारत कहा जाता है, बट हमारे पास हीट एंड टेम्परेचर सेम नहीं होते, इनमें डिफरेंस होता है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। हम टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। कैसे मेजर करेंगे? टेम्परेचर को हम हॉट में भी मेजर कर सकते हैं एंड कूल में भी मेजर कर सकते हैं, और इसको मेजर हम करते हैं डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर हमेशा मेजर होता है डिग्री सेल्सियस में। हम इसको किसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं? एक थर्मोमीटर की हेल्प से इसे मेजर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हीट की बात करें तो हीट यहाँ पर हमारे पास एक एनर्जी है। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र होती है एक एनर्जी के ज़रिए, जो कि फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर से लेकर जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट तक। अब हम इसकी मेजरमेंट की बात करें तो ये मेजर होता है हमारे पास इन जूल्स, जिसका सैम्बल हमारे पास आता है जे, और किलो जूल्स के जे के। नो डेट द सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर मेड अप ऑफ टैनी पार्टिकल्स। जो सॉलिड लिक्विड गैस है ये हमारे पास बनी हुई होती है टैनी यानी छोटे पार्टिकल्स से। ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव करते रहते हैं, ऑल टाइम इनकी मूविंग चलती रहती है। ठीक है, बट ये जो मूव करते हैं ये डिपेंडेड होती है इनकी एनर्जी पे। ठीक है, अगर इन्हें ज़्यादा इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी तो ये ज़्यादा मूव करेंगे, और इनके अपोजिट साइड होती है अगर इन्हें कम एनर्जी मिलेगी तो ये मूव करना कम कर देंगे यानी आहिस्ता से मूव करेंगे। सो ये डिपेंडेड होता है इनकी एनर्जी पे कि इन्हें हीट कितनी मिल रही है। हीट ज़्यादा मिलेगी तो ये फास्टर मूव करेंगे, और अगर हीट कम मिल रही है तो ये लेस देन मूव करेंगे। अब यहाँ हम सॉलिड एंड कूल की बात करें, यहाँ पर हीट जो एनर्जी को रिमूव करते हैं ये पार्टिकल्स, वही बता रही हूँ कि मूव करते रहते हैं जब तक कि इन्हें हीट मिलती जाए। जब अगर इन्हें हीट मिलना कम हो गई तो ये स्लोली मूव करेंगे, और स्लोली मूव करते रहेंगे फिर और इनकी एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम हुई तो ये स्लोली से मूव जो स्लो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आकर एक पॉइंट पे आके ये स्टॉप हो जाएंगे, इनकी स्टॉप हो जाएगी मूविंग यानी ये हरकत करना बंद कर देंगे। अब इस लेवल पे जब ये पार्टिकल्स आ गए कि इन्होंने स्टॉप कर दिया मूविंग को, सो इस कॉल्ड द एब्सोल्यूट ज़ीरो।
ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये एब्सोल्यूट जो ज़ीरो है ये इस टेम्परेचर पे आता है जब भी कोई मटेरियल हमारे पास हो, नो हीट एनर्जी, इसके पास जब हीट एनर्जी नहीं होती और इसका टेम्परेचर होता है इस -273 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस में जब जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास साइंटिस्ट हैं, वो इस चीज़ पे वर्क करते हैं, तो इन्होंने एक टेम्परेचर स्केल इनके पास जो कि स्टार्ट होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो से, और ये टेम्परेचर स्केल हमारे पास कहलाता है केल्विन स्केल। लुक एट हियर, ये हमारे पास स्केल है, ओके, ये केल्विन, ये हमारा सेल्सियस। हीट इज़ अबाउट द मूविंग पार्टिकल। अगर हीट की, हम मूविंग पार्टिकल के बारे में मैंने अभी आपको यही बताया कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये हीट पे मूव करते हैं, हम जितना उन्हें ज़्यादा हीट देंगे हमारे पार्टिकल्स को, वो उतनी ज़्यादा मूव करेंगे। एंड एवरी, आप लोग सब जानते हैं कि एवरीथिंग, जो भी चीज़ हमारे पास है वो बनी हुई है हमारे पास एटम्स एंड मोलिक्यूल्स से, ओके। अब ये क्या करते हैं, इनकी मूविंग तभी होती है जब इन्हें हीट ज़्यादा मिलेगी। अब ये जो हमारे पास हीटिंग का, यानी ये इफ़ेक्ट करते हैं टेम्परेचर। थर्ड लेक्चर इज़, ये थर्ड लेक्चर है हमारा, हम यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पार्टिकल्स के बारे में बात करें। सो फर्स्ट, अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड हमारे पास कंटेन नहीं करता लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपस में फिक्स होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं करते, ओनली वो वाइब्रेट करते हैं। पर अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये मोर हीट लेता है, सॉलिड से ज़्यादा हीट लेता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एबल होते हैं मूव करने के, वो मूव कर सकते हैं। यहाँ अगर हम गैस की बात करें तो गैस पार्टिकल्स यहाँ पर हीट, तो हीट एनर्जी तो लेते हैं, बट ये क्विकली मूव करते हैं, फास्टर मूव कर रहे होते हैं। यहाँ अगर आप एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल हमारे पास स्टीम की है, ओके, द काइनेटिक थ्योरी हेल्प द एक्सप्लेन हाउ सब्सटेंस बिहेव। हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी है वो हमें हेल्प करती है ताकि हम जाने कि हमारे जो सब्सटेंस हैं वो कैसे मूव करते हैं, उनके बिहेव के बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ हमारे पास हैं वो लॉस कर रहे होते हैं, कुछ गेन कर रहे होते हैं और अपनी स्टेट्स को, यानी अपनी हालत को भी चेंज कर रहे होते हैं स्टेट ऑफ मैटर में। हम अगर मेल्टिंग की बात की जाए तो मेल्टिंग उस सूरत में होती है इफ़ अ सॉलिड इज़ वर्म एंड इट्स पार्टिकल्स मूव फास्टर अंटिल सम ब्रेक फ्री एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अ लिक्विड। जैसे हम आइस की ले लें तो आइस हमारे पास पहले सॉलिड की शक्ल में होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद हमारे पास वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ओके। एवापोरेशन, एवापोरेशन की अगर हम बात करें तो एवापोरेशन हमारे हीट पे होता है, ठीक है। एवापोरेशन कब होती है, जब हमारे पास लिक्विड फॉर्म, यानी हमारे पास पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में है तो ये मूव करने लगे फास्टर, ठीक है, फास्टर मूव करने लगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि हम वाटर को बॉयल करने के लिए रखते हैं, सो हमारे पास पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब हम उसे मोर देन हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर हाई होने लगता है, तो फिर वो हमारे पास कन्वर्ट होकर एवापोरेट होता है, उसकी जो स्टीम, भाप निकल रही होती है, यानी फिर वो उसके वेपर्स बनकर एवापोरेट होने लगते हैं, यानी वो एवापोरेशन होती है गैस की शक्ल में, जो हमारे पास स्टीम होती है, ओके। कंडेंसिंग, कंडेंसिंग की अगर हम बात करें, यहाँ फिर हम स्टेट को चेंज करने की बात कर रहे हैं, व्हेन द हीट एनर्जी इज रिमूव, जहाँ से हमारे पास हीट एनर्जी रिमूव हो जाए फ्रॉम अ गैस फॉर्म। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने लिक्विड को चेंज कर दिया था गैस में, ये स्टेट हमारे पास चेंज हो गई लिक्विड से गैस में, अब हमें वो गैस वापस चेंज करके लानी है लिक्विड में। सो हम कैसे लाएंगे, हम इसका टेम्परेचर मज़ीद गिराएंगे, ठीक है। जो हमारे पास स्टीम निकल रही थी हमने उसको कवर कर दी, उसका टेम्परेचर हमने लो कर दिया, तो ठीक है वो वापस अपनी उसी शक्ल में कन्वर्ट होना आ जाती है, कन्वर्ट होना लग जाती है, यानी कि वो फिर से उसके पार्टिकल्स आपस में क्लोज होने लगते हैं, जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। कि हम फ्रीजिंग की बात करें तो यहाँ पर फ्रीजिंग, फ्रीजिंग यानी कि अगर लिक्विड कूल, जब
हमारे पास लिक्विड कूल होता है यानी इसके पार्टिकल्स स्लो डाउन होना शुरू करें। ये स्टार्ट होता है हमारे पास जैसे लिक्विड फॉर्म, हमारे पास हमने वाटर ले लिया, ठीक है। अब क्या वाटर को हम जब फ्रीज करने के लिए रखते हैं तो इसके पार्टिकल्स की जो टेम्परेचर वो गिरने लगता है, फिर इसके पार्टिकल्स आपस में क्लोज होना लगते हैं यानी आपस में करीब आना लगते हैं, और फिर जब जितना इसका टेम्परेचर गिरता जाएगा पार्टिकल्स उतना करीब आते जाएंगे, और जब पार्टिकल्स एक वक्त में करीब आ जाएंगे तो ये हमें कन्वर्ट होके सॉलिड की शक्ल में मिलेगा। ओके, अब यहाँ हम मास की बात कर रहे हैं। मास कॉन्सर्ट की बात करें तो ये चेंज करता है ऑफ स्टेट्स हमारे पास और इनके बिहेवियर और पार्टिकल्स की चेंजिंग के बारे में। ओके, यहाँ पे ये पार्टिकल्स जो कि रिमेनिंग द सेम ऑफ द ऑल टाइम एंड देयर आर द बिफोर द टोटल मास इनका ऑफ द सबस्टेन नियर द चेंज करने के लिए रखते हैं। सो हमारे पास पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब हम उसे मोर देन हीट देते हैं उसका टेम्परेचर हाई होने लगता है तो फिर वो हमारे पास कन्वर्ट होकर एवापोरेट होता है, उसकी जो स्टीम भाप निकल रही होती है यानी फिर वो उसके वेपर्स बनकर एवापोरेट होने लगते हैं, यानी वो एवापोरेशन होती है गैस की शक्ल में जो हमारे पास स्ट्रीम होती है। ओके, कंडेंसिंग की अगर हम बात करें या फिर हम स्टेट को चेंज करने की बात कर रहे हैं, व्हेन द हीट एनर्जी इज रिमूव, जहाँ से हमारे पास हीट एनर्जी रिमूव हो जाए फ्रॉम अ गैस फॉर्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने लिक्विड को चेंज कर दिया था गैस में, ये स्टेट हमारे पास चेंज हो गई लिक्विड से गैस में, अब हमें वो गैस वापस चेंज करके लानी है लिक्विड में। सो हम कैसे लाएंगे, हम इसका टेम्परेचर मज़ीद गिराएंगे, ठीक है। जो हमारे पास स्टीम निकल रही थी हमने उसको कवर कर दी, उसका टेम्परेचर हमने लो कर दिया, तो ठीक है वो वापस अपनी उसी शक्ल में कन्वर्ट होना लग जाती है, यानी कि वो फिर से उसके पार्टिकल्स आपस में क्लोज होने लगते हैं जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ओके ग्रेट, नाउ द थर्ड लेक्चर इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ओके, आपको यहीं से जाहिर हो रहा है यानी ट्रांसफ़र हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। सो हीट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम अ वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द थ्री वेज हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हीट मुंतकिल हो सकती है। इसके तीन वे होते हैं यानी तीन तरीके होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है कंडक्शन यानी हमें इसकी रसाई करनी यानी मुंतकिल करना। अब हम हीट को इसमें ट्रेवल कंडक्शन के ज़रिए हम पढ़ रहे हैं ये जो वे है इसमें हम हीट को ट्रेवल करवाएंगे थ्रू अ सॉलिड किसी सॉलिड के ज़रिए। अगर आप यहाँ देखें ये डायग्राम दी गई है, ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पे हमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि यहाँ पर ये एक सूप तैयार हो रहा है, ठीक है। अब ये जो सूप तैयार हो रहा है नीचे से इसको हीट दी जा रही है और लाजमी हीट पे ये सूप तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर जो हीटिंग इस सूप तक पहुँच रही है, इस सूप के बाद जो इस सूप को हिलाया जा रहा है जिस स्पून के साथ, वहाँ वो हमारे पास है एक मेटल स्पून, ठीक है। अब क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी आहिस्ता आहिस्ता, वो जो मेटल स्पून हमने उसमें छोड़ा था उस डिश में जो छोड़ा था जो ये हमारे पास जिस पैन में हमने जो पैन है उधर छोड़ा था उसमें, तो ये क्या होगा, ये हॉट हो जाएगा गर्म हो जाएगा, और जैसे इन्होंने टच किया इन्हें फ़ौरन से ये गर्म महसूस हुआ और इन्होंने अपना हाथ खींच लिया, दैट्स मीन कि यहाँ पर ये जो है इसको हीट को ट्रांसफ़र कर रहा था। ओके, ये क्या हुई, हीट मुंतकिल हुई है सच एस अ, ठीक है, हीट ने मूवमेंट की ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एस अ मेटल, जैसे मेटल में इस काल द कंडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम जो मेटल की बात करें तो मेटल एक
बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, कंडक्टर यहाँ जहाँ से हम इजीली हीट पास हो सके। सो मेटल हमारे पास बहुत ही अच्छा कंडक्टर क्योंकि उसमें से इजीली हीट पास हो जाती है, हीट उसमें से इजीली ट्रेवल कर सकती है। बट कुछ हमारे पास इसलिए हम जो कुकिंग के लिए जो अपने यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ करते हुए और मोस्टली वो मेड अप ऑफ मेटल से बने हुए होते हैं, जबकि कुछ हमारे पास ऐसे कंडक्टर होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे उसमें हमारे पास आ गया पुअर कंडक्टर जो इजीली हमारे पास काम नहीं करते, वो जो पुअर कंडक्टर होता है सच एज अ नॉन मेटल हमारे पास आ जाता है, सो मेट द मोस्ट लिक्विड आ जाता है, या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं हम इनको इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर मटेरियल में जो हमारे पास आता है हमारे पास वूल आ गया, प्लास्टिक आ गया, फोम आ गया, ग्लास आ गया एंड मिनरल्स, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इंसुलेटर्स होते हैं। अब यहाँ हम कंडक्शन की बात करें एंड द काइनेटिक थ्योरी में, तो यही कहता है इफ़ यू वन एंड, अगर आप वन एंड से अब मेटल बार को अगर पकड़ते हैं ठीक है, और नीचे से अगर उसे हीट दी जा रही है तो आप लुक एट हियर ठीक है, नीचे से एक कैंडल बर्न की है, यहाँ पर मेटल बार रख दिया गया है। अब क्या है, मेटल बार यहाँ से पकड़ा हुआ है, अब यहाँ से जो इसको हीट टच करती है यहाँ से, फिर इसके पार्टिकल्स आगे हीट पास करेंगे, फिर वो पार्टिकल्स आगे हीट पास करेंगे, फिर वो पार्टिकल आगे, इस तरीके से हीट कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होती जाएगी एक से दूसरे एरिया में। और इनके जो पार्टिकल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट होते हैं क्योंकि ये सॉलिड है, मेटल हमारे पास सॉलिड है, सो ये सिर्फ वाइब्रेट करें। ये क्या हुई, हीट मुंतकिल हुई है सच एस ठीक है, हीट ने मूवमेंट की ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एस मेटल, जैसे मेटल में इस काल द कंडक्शन ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम जो मेटल की बात करें तो मेटल एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, कंडक्टर यहाँ जहाँ से हम इजीली हीट पास हो सके। सो मेटल हमारे पास बहुत ही अच्छा कंडक्टर क्योंकि उसमें से इजीली हीट पास हो जाती है, हीट उसमें से इजीली ट्रेवल कर सकती है। बट कुछ हमारे पास इसलिए हम जो कुकिंग के लिए जो अपने यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ करते हुए और मोस्टली वो मेड अप ऑफ मेटल से बने हुए होते हैं, जबकि कुछ हमारे पास ऐसे कंडक्टर होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे उसमें हमारे पास आ गया पुअर कंडक्टर जो इजीली हमारे पास काम नहीं करते, वो जो पुअर कंडक्टर होता है सच एज अ नॉन मेटल हमारे पास आ जाता है, सो मेट द मोस्ट लिक्विड आ जाता है, या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं हम इनको इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर मटेरियल में जो हमारे पास आता है हमारे पास वूल आ गया, प्लास्टिक आ गया, फोम आ गया, ग्लास आ गया एंड मिनरल्स, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इंसुलेटर्स होते हैं। अब यहाँ हम कंडक्शन की बात करें एंड द काइनेटिक थ्योरी में, तो यही कहता है इफ़ यू वन एंड, अगर आप वन एंड से अब मेटल बार को अगर पकड़ते हैं ठीक है, और नीचे से अगर उसे हीट दी जा रही है तो आप लुक एट हियर ठीक है, नीचे से एक कैंडल बर्न की है, यहाँ पर मेटल बार रख दिया गया है। अब क्या है, मेटल बार यहाँ से पकड़ा हुआ है, अब यहाँ से जो इसको हीट टच करती है यहाँ से, फिर इसके पार्टिकल्स आगे हीट पास करेंगे, फिर वो पार्टिकल्स आगे हीट पास करेंगे, फिर वो पार्टिकल आगे, इस तरीके से हीट कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होती जाएगी एक से दूसरे एरिया में। और इनके जो पार्टिकल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट होते हैं क्योंकि ये सॉलिड है, मेटल हमारे पास सॉलिड है, सो ये सिर्फ वाइब्रेट करें। फर्स्ट आपको मैंने वे बता दी कंडक्शन एंड द सेकंड वे ऑफ कन्वेक्शन। ओके, तो कन्वेक्शन में क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेस में बी अ पुअर कंडक्टर। ओके, मैंने आपको पीछे भी बताया ऑफ हीट, बट दे कैन कैरी हीट, पर वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट तो होते हैं बट ये कैरी कर सकते हैं हीट को, बिकॉज देयर आर पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल फ्री मूव करते हैं ठीक है। कन्वेक्शन क्या है, कैन नॉट हैपन इन सॉलिड, वो सॉलिड में नहीं हो सकती, बिकॉज द पार्टिकल्स आर द हेल्ड फ्रेमवर्क करते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं करते, ओनली मैंने आपको पीछे ही बताया जस्ट वाइब्रेट करते हैं, एज देयर टू द लिक्विड एंड गैस, जिस तरीके से हमारे पास लिक्विड एंड गैस मूव कर रहे होते हैं उनके पार्टिकल। अगर हम यहाँ बात करें कि हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, व्हेन द हैपन व्हेन द वाटर, अगर हम वाटर को बॉयल करें एक इलेक्ट्रिक कैटल में, तो यहाँ पर हीटिंग जो एलिमेंट है इस कैटल में, ये सिर्फ वर्म होंगे, गर्म होंगे ठीक है। हम वाटर को टचिंग करेंगे तो वो वर्म गर्म होगा,
ठीक है, वार्म होगा क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये फ्री टू मूव होते हैं। जैसे ही एक हमारे जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स हो गया, इसको जैसे वाटर हो गया मॉलिक्यूल, उसको हीट मिली तो वो ट्रांसफ़र करेगा दूसरे तक। तो ये मुंतकली यानी ट्रांसफरेशन जल्दी जल्दी होती है वार्म वाटर, एंड इन द टर्न आल्सो बिकम वार्म एंड राइजेस अ कंटिन्यूसली सर्क्यूलेटिंग। ये इनका सर्क्यूलेटिंग चलती रहती है। स्ट्रीम इज द सेटअप इन द कैटल, और स्ट्रीम सेटअप होते हैं इन द कैटल में। दिस इज कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट, और ये कन्वेक्शन करंट कहलाता है। अब जो हीट एनर्जी है ये ट्रेवल करती है थ्रू गैस, बिकॉज अ रूम, जो रूम है हमारे पास, कैन बी वार्म बाय अ हीटर। हम एक रूम को गर्म कर रहे हैं बाय हीटर के ज़रिए, जो इसमें जो वर्म एयर है वो अंदर जाएगी, देन जो कूल्ड एयर है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे ही हमें इस रूम को, ये लुक एट द रूम, इसको वर्म करना है तो एक हीटर ऑन कर दिया हमने। अब यहाँ पर जो हीटर ऑन है तो ये क्या करा रहा है, ये जो गैस मॉलिक्यूल इसके आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये रूम कम्प्लीटली बंद है। तो यहाँ से जो कूल एयर द मूविंग, और यहाँ पर जो हीटिंग एयर है दे आल्सो मूविंग। ओके, सो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, रूम हमारा गर्म होता जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट, द थर्ड वे ग्रेटेड स्टूडेंट, द थर्ड वे इज रेडिएशन। रेडिएशन है हमारे पास थर्ड वे। ओके, रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है, व्हेन वी द कुक फूड अंडर अ ग्रिल, हीट मस्ट बी ट्रेवल डाउनवर्ड फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट इन द ग्रिल टू द फूड। This heat cannot be carried by convection because the convection carry hot air upward. Okay, हम यहाँ बात कर रेडिएशन की। सो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि अगर हम कुक करते हैं फूड को अंडर अ ग्रिल, सो हीट मस्ट यहाँ से ट्रेवल होगी डाउनवर्ड। ठीक है, जो हीटिंग एलिमेंट्स है इन द ग्रिल, हमारे ग्रिल में, फिर उसके ज़रिए फूड तक वो पहुँचेंगे। अब ये जो हीट है ये ट्रेवल, ये कैन नॉट कैरी बाय कन्वेक्शन, ये हीट कन्वेक्शन के ज़रिए कैरी नहीं हो सकती, बिकॉज जो कि कन्वेक्शन है वो हीट को कैरी करता है हॉट एयर अपवर्ड, वो अपवर्ड कर रहा होता है कैरी, और ना हम इसे कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो फूड एयर है इज़ अ बैड कंडक्टिंग, सो दैट इज़ वाई। अब यहाँ पर हम ये जो सो देयर द मस्ट एंड अदर वे, जो दूसरी हमारे पास वे है मूविंग द हीट टू द फूड, दिस बाय द रेडिएशन, जो दूसरी वे है वो हमारे पास है रेडिएशन, जो फूड के लिए हम पहुँचा रहे हैं, जिसमें हम मोस्टली हमारे जो आपने देखा होगा माइक्रोवेव वगैरह यूज़ करते हैं। लुक एट हियर, तो ये कैसे यहाँ पर हीट रेडिएशन की तरह पहुँचती है, फिर जाके हमारा जो फूड है वो कुक होता है यानी बनता है। ओके, सो यहाँ पर द हीट, ये जो हीट है ट्रैवल होती है ट्रेनी इलेक्ट्रोमैग्नेट के ज़रिए, वेव्स के ज़रिए, ये जो कहलाती है इन्फ्रारेड। ओके, ये इन्फ्रारेड वेव्स कहलाती हैं। ओके, ये हॉटर होती हैं एंड ऑब्जेक्ट, द मोर द इन्फ्रारेड रेडिएशन इज़ द इमेज, नो पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल्स में इन्वॉल्व नहीं होता, अनलाइक दिस प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। सो जो रेडिएशन है कैन इवन द वर्क, जो काम करती है थ्रू अ वैक्यूम स्पेस, दिस इज़ द वे वी द स्टिल फील द हीट, जिसके ज़रिए हम स्टिल फील कर रहे होते ऑफ द सन ऑल थ्रू, इट इज़ द 150 million स्टिल फील द हीट, जिसके ज़रिए हम स्टिल फील कर रहे होते ऑफ द सन ऑल थ्रू, इट इज़ द 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ओके, यहाँ पे इमिटर्स एंड ऑब्जर्व की बात करें, सो सम हमारे पास सरफेस ऐसे होते हैं जो कि बेटर होते हैं हमारे पास इमिटिंग के लिए, मीन्स गिविंग ऑफ द थर्मल रेडिएशन।
ओके सो थर्मल रेडिएशन देन एन अदर बट गुड इमेजर्स जो होते हैं बाय ऑफ रेडिएशन आर आल्सो गुड ऑब्जर्वर भी होते हैं. सो यहाँ पर जो वाइट एंड सिल्वर जो सरफेस होता है आर द पुअर ऑब्जर्वर बिकॉज दे आर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन रेडिएशन को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं. डेट इज़ वाई कि वहाँ पर इन हॉट या वहाँ ज़्यादा हॉट होता है. जो सनी कंट्रीज होती हैं हाउसेज सनी कंट्रीज हाउसेज में आपने अक्सर देखा होगा वहाँ पर पेंट होता है वाइट एंड टू कीप द कूल इनसाइड. ओके नाउ ग्रेड एट स्टूडेंट नाउ हमारे पास ये टॉपिक है कंपेयरमेंट का हमें करनी है इम्पेरेटिव्स की. ठीक है इम्पेरेटिव्स की हम कैसे कंपेयरिंग करेंगे. यहाँ पे हमें टू मेटल्स कैन दिए गए हैं जिन्हें हमने फिलअप कर देना है सेम अमाउंट ऑफ वाटर में एंड सेम टेम्परेचर लेना है और इन कैंस का नेम हमने रखा है कैन ए एंड कैन बी. कैन ए हैज़ अ डार्क सरफेस एंड कैन बी हैज़ अ शाइनी सरफेस. नाउ यहाँ पर लुक एट द ओके नाउ यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया गया है जो कि हमें शो कर रहा है रिजल्ट ऑफ द कैन ए एंड कैन बी कि कौन सा वाला ज़्यादा हमारे पास कूल है. कूल मोर क्विकली देन द डेट इज कैन बी क्लियरली अ डार्क सरफेस डेट इज़ वाई दिस इज़ अ बेटर इमिटर्स थर्मल रेडिएशन देना शाइनी सरफेस. ओके हमें पता चल गया कौन सा था हमारे पास जो कि हमारे पास कर रहा था कूल्स मोर देन क्विकली द कैन बी. अब यहाँ पर हम लोग कंपेयरिंग ऑब्जर्वर की कर रहे हैं कि ऑब्जर्व कंपेयर कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास टू मेटल प्लेयर्स हैं वन शाइनी एंड वन डार्क. यहाँ हमने थर्मोमीटर को अटैच कर दिया है बाय दिस प्लेयर के साथ. यहाँ पर यह फिक्स है इनमें सेम डिस्टेंस दिया गया है. ओके और फ्रॉम अ रेडिएंट हीट. अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है हमें शो कर रहा है कि लुक एट हियर ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि यहाँ पर डार्क सरफेस जो ऑब्जर्व्स है ये हीट को मोर क्विकली ले रहे हैं देन द शाइनी वन क्लियरली. सो डार्क सरफेस आर बेटर ऑब्जर्वर ऑफ थर्मल रेडिएशन देन द शाइनी सरफेस. ओके स्टूडेंट्स ओके द नेक्स्ट लेक्चर इज़ आफ्टर द कंपेयरिंग द वैक्यूम फ्लक्स. अब वैक्यूम फ्लक्स क्या है हमारे पास वैक्यूम और द थर्मल फ्लक्स है जो वो चीज़ होती है जो कि हमारे पास थर्मोमीटर होता है सॉरी थर्मोमीटर के थर्मोस वगैरह होते हैं. जैसे हमारे पास चाय के लिए होता है थर्मोस वो क्या करता है चाय को गर्म रखता है एंड हमारे पास जो स्कूल गोइंग या बाहर जाने के लिए थर्मोस होते हैं वो पानी को ठंडा रखे मीन्स के ड्रिंक हॉट और कूल रख सकें फोर आवर्स. ठीक है घंटों तक के लिए. सो यहाँ पर ये जो फ्लेक्स हैज अ नंबर ऑफ द फीचर्स विच रेड्यूस ये रेड्यूस करता है द रेट ऑफ द हीट फ्लो इन और आउट जो इन और आउट हीट फ्लो करती है. ओके सो ये है द स्टॉपर रेड्यूस ये स्टॉप करता है पहले क्या करता है फर्स्ट जो हमारे पास रेड्यूस स्टॉप कर देता है रेड्यूस लॉस बाय द कन्वेक्शन एंड कंडक्शन. सेकेंड थिंग इनके दरमियान स्पेस वॉल होते हैं हैज द एयर जहाँ से एयर रिमूव्ड हो वैक्यूम सो हीट लॉस करे बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन इज रेड्यूस्ड. थर्ड थिंग द सिल्वर लाइनिंग होती है ऑफ वॉल्स की जो कि रेड्यूस करती हैं हीट लॉस बाय रेडिएशन. लुक एट हियर दिस इज़ अ वैक्यूम फ्लक्स कैन बी ड्रिंक हॉट एंड हॉट फॉर आवर्स. ये हमारे पास स्टॉपर होता है ये कप विथ यहाँ से एयर रिमूव ये इसका इनसाइड द ग्लास ये ग्लास और स्टील वॉल्स होती है इसकी एंड इसका सिल्वर सरफेस होता है. ओके अंडरस्टैंड लेक्चर इज मोर अबाउट द चेंजिंग स्टेट. अब यहाँ हम पढ़ें मोर अबाउट चेंजिंग स्टेट के बारे में. जैसे कि हमने पीछे रीड किया जो चैप्टर में हमारे काइनेटिक थ्योरी के बारे में वे ऑफ पार्टिकल्स और उनके बिहेव जो कि ड्यूरिंग हो रहे थे हमारे पास मेल्टिंग एवापोरेशन एंड कंडेंसिंग के. ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेट्स सी व्हाट हैपन द समवन क्रैश आइस इज हीट. अब क्रैश जो हमारे पास आइस है उसको देख रहे हैं.
आइस इज द जेंटली वर्म, आइस जेंटली वर्म हो रही है अनटिल इट मेल्ट, जब तक ये मेल्ट हो। यहाँ पे हीट है, टर्न अप इनको करती है अनटिल द वाटर बिगन्स टू द बॉइल, और देन ये जो टेम्परेचर ले रहा है टेकिंग एवरी सेकेंड 30 सेकेंड में फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट होने से लेके फिनिश होने तक। लुक एट हियर, यहाँ से हीट दी जा रही है, यहाँ पे इनको स्टीर किया जा रहा है, एंड यहाँ पर एक इन्होंने मर्करी थर्मोमीटर भी ऐड किया हुआ है। सो नेक्स्ट पेज पे आ जाए स्टूडेंट, ये लाइन ग्राफ जो के रिजल्ट हमें शो कर रहा है इस इन्वेस्टिगेशन का, लुक एट हियर, कम्प्लीटली इसको आपने पढ़ना है एंड देखना है कि क्या हो रहा है इस लाइन ग्राफ में। सो व्हाट डज द लाइन ग्राफ शो, लाइन ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है। फर्स्ट आ गया स्टेज नंबर 1, द हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी है राइजिंग हो रही है टेम्परेचर में ऑफ द आइस अप टू द 0 डिग्री, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड स्टेज, हेयर इज द वेरी लिटिल टेम्परेचर राइज, यहाँ बहुत ही लिटिल टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो कि हीट एनर्जी बींग यूज टू अलाउ वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ कर रहे हैं टू द ब्रेक अवे फ्रॉम दियर फिक्स पोजिशन इन द आइस, जो कि आइस में फिक्स पोजिशन थी, और जो कि सॉलिड था इस टर्निंग टू लिक्विड, फिर क्या हुआ उसके पार्टिकल्स जो सॉलिड के आपस में जुड़े हुए थे उन्होंने ब्रेक करना शुरू कर दिया और टर्न होने लगे लिक्विड में। स्टेज 3 है, यहाँ पे हीट एनर्जी राइज हो रही है टेम्परेचर ऑफ द वाटर अप टू द 100 डिग्री, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। स्टेज 4, हियर देयर इज नो टेम्परेचर राइज, या कोई टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, एंड द हीट एनर्जी है ये बींग द यूज्ड, ये अलाउ कर रही है हमारे वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक फ्री टू कम्प्लीटली, दिस इज लिक्विड चेंजिंग टू अ गैस। अंडरस्टैंड, ये लास्ट टॉपिक था, सो रीड अगेन स्टूडेंट, इसको समझें।